आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। खिलाड़ियों में जागरूकता पैदा करने के लिए देश में यूपी 75 जिलों में 9 जिलों में चेस ओलंपियाड टॉर्च रैली निकाली जा रही है। इसी क्रम में आज अयोध्या स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में मैच ओलंपियाड चेस ओलंपियाड टॉर्च रैली का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रदेश के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने किया। देखिए खास रिपोर्ट। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शतरंज की शुरुआत भारत से हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर इसकी जड़ें लाकर दोबारा देश में स्थापित कर रहे हैं और पीएम मोदी के प्रयास की वजह से आगामी 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक तमिलनाडु के चेन्नई में होने वाले भारत के 44वें चेस ओलंपिक की मेजबानी करेगा, जिसमें दुनिया के 176 देश शामिल होंगे। दरअसल खिलाड़ियों में जागरूकता पैदा करने के लिए देश के यूपी 75 जिलों में 9 जिलों में चेस ओलंपियाड टॉर्च रैली निकाली जा रही है। इसी क्रम में अयोध्या स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में चेस ओलंपियाड टॉर्च रैली का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन प्रदेश के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने किया। 44वें चेस ओलंपियाड का आयोजन भारत में होने जा रहा है और यह पूरा आयोजन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है, उनके इनिशिएटिव से हुआ है। भारत में हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस खेल का शतरंज का की शुरुआत भारत से ही हुई है और उसे पुनः स्थापित करना, भारत में उसको उसकी जड़ें फिर से ला कर के रोपित करना, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही एक ऐतिहासिक कार्य किया है। इसके लिए हम सब देशवासी उनको बधाई देते हैं। अरविंद कुमार शर्मा ने अयोध्या में कहा कि अमृत महोत्सव के समय में ये कार्यक्रम और ही महत्वपूर्ण हो गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं में जागरूकता पैदा की जा रही है। निश्चित रूप से ये कार्यक्रम युवाओं में प्रेरणा पैदा करेगा और उन्हें ग्रैंड मास्टर बनने के लिए प्रेरित भी करेगा। आज आपने देखा कि कुल 75 शहरों में ये टॉर्च रिले जाने वाला है चेस का, और उनमें से 9 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। अमृत महोत्सव के समय पर ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा कहा जाएगा। इससे हमारे युवा जो लोग हैं उनको प्रेरणा मिलेगी, उन्हें भी ग्रैंड मास्टर बनने की और खेलने की प्रेरणा मिलेगी। उस दृष्टि से आज का ये आयोजन और अन्य शहरों में भी जो जा रहा है ये रिले, टॉर्च रिले, वो आयोजन बहुत ही स्तुत्य कार्य है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को यह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए और इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं, जो हमारा फेडरेशन है, माननीय कपूर जी हैं, इन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक कार्य किया है, इसके लिए पूरा देश उन्हें बधाई देता है। ये टॉर्च रैली वाराणसी से अयोध्या पहुंची थी, जिसके बाद इसे गोरखपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। ओलंपियाड मॉस्को रूस में आयोजित होने वाला था और वो उसके लिए लगभग 2 साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इस आयोजन को रद्द करना पड़ा, जिसके बाद अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने प्रतियोगिता का आयोजन करने की जिम्मेदारी लिया। तो वहीं भारत पहली बार शतरंज प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। भारत पहली बार शतरंज प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है, जो ऐतिहासिक है। एशिया में 30 साल और भारत 95 वर्षों बाद प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में तय, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।